बड़ी खबर बिकरू कांड से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, बिकरू कांड में जल्द ही कई पुलिस वालों पर गाज गिर सकती है। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एडीजी जोन जय नारायण सिंह ने कानपुर के डीआईजी को उन सभी पुलिस अफसरों की भूमिका की जांच के निर्देश जारी किए हैं जिन पर एसआईटी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए थे। एडीजी जोन ने कानपुर के डीआईजी को ऐसे सभी अफसरों को नोटिस जारी कर उनका बयान दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के बिकरू में विकास दुबे और उसके साथियों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी थी और उसी मामले में अब एडीजी जोन ने कानपुर डीआईजी को जांच के साथ साथ भूमिका पुलिस वालों की उस वक्त में जिनकी संदिग्ध रही उनके नाम सामने लाने और भूमिका बताने के निर्देश जारी किए। विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, विशाल रघुवंशी। विशाल, सबसे पहला सवाल तो इस मामले में यही है, इंसाफ का इंतजार वो तमाम पुलिस वाले कर रहे थे, उनके घर वाले कर रहे थे जिन्होंने अपनों को खोया उस रात कानपुर के बिकरू में, और अब यहां से देखना होगा कि कौन से विभाग के वो भेदिए थे जिनकी भूमिका संदिग्ध थी उस दिन और जिनकी खबर पर पूरी की पूरी पुलिस पार्टी विकास दुबे और उसके साथियों के निशाने पर आई थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब जांच की कार्रवाई जो है वो तेज हो चुकी है। शासन से बकायदा एडीजी को इस पूरे मामले की जांच दी गई थी, उसके बाद अब एडीजी की तरफ से डीआईजी कानपुर को बकायदा जो है पत्र भेज दिया गया है कि जितने भी पुलिस वाले एसआईटी जांच रिपोर्ट में दोषी पाए गए हैं उन सभी को नोटिस जो है भेजी जाए और उन सबके जवाब जो है वो लिए जाए। मतलब साफ है कि अब बड़ी कार्रवाई जो है वो होगी, क्योंकि एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप चुकी है और गृह विभाग उसी के आधार पर अब धीरे कार्रवाई कर रही है। और चूंकि एक मौका जो है तमाम अधिकारियों को दिया जाता है नोटिस जारी करके, उसमें वो अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर अब पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होना तय है। ये अधिकारी उस वक्त बिकरू के आसपास के इलाकों में जो है तैनात थे, विकास दुबे के संपर्क में थे, चौबेपुर थाने में थे। इसमें जो तीन पीपीएस अधिकारी बताए जा रहे हैं जो उस वक्त मौके वहां पर उस वक्त थे, मतलब साफ है कि उस कार्यकाल के दौरान जितने भी पुलिस अधिकारी वहां पर तैनात रहे हैं उन सब पर गाज गिरना तय है। फिलहाल 80 लोग के आसपास की लिस्ट पूरी एसआईटी की जांच रिपोर्ट में थी, लेकिन यह भी माना जा रहा है, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी शुरुआत में 40 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर से जो है दूसरे राउंड में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ साथ चूंकि कई पीसीएस अधिकारी भी शामिल थे, कई राजस्व के अधिकारी शामिल थे, लेकिन ये जो पुलिस वालों की अलग से जाँच हुई थी, एसआईटी ने अपनी जाँच रिपोर्ट में इनका जिक्र किया था, इसकी जांच के लेकर अब तेजी हो चुकी है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद अब बकायदा एडीजी की तरफ से डीआईजी को यह निर्देश जा चुका है और माना जा रहा है कि एक या दो दिन के अंदर ये नोटिस जो है ये पुलिस वालों को मिल जाएंगी, उनको अपना जवाब दाखिल करना होगा 2 या 3 दिन के अंदर और उसके बाद कार्रवाई का जो सिलसिला है वो बहुत तेजी से दिखाई पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां के बिकरू कांड मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अब एडीजी जोन ने डीआईजी कानपुर को निर्देश दिए हैं, अब नोटिस जारी होंगे उन तमाम आरोपी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को और उनसे इस पर सफाई मांगी जाएगी।